गुड मॉर्निंग और स्वागत करता हूँ फिर से आप लोग का एक नए एडवेंचर में पोंडा से। जैसे कि पिछली नाइट में आप लोगों ने देखा कि मैं पोंडा में स्टे कर लिया था, और अजय सर की तरफ से, जो श्रवण सर हैं, तो उनकी तरफ से पूरा एकोमोडेशन था। तो आज मैं यहीं पे स्टे किया हूँ, और अब आज अपनी जर्नी कुछ स्टार्ट करेंगे वास्को डी गामा के लिए, जो कि यहाँ से समथिंग 40 किलोमीटर के नियर अबाउट में है। तो आराम से वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो पिछले इवनिंग में मैंने अजय सर के शॉप पे पूरा फ्री सर्विस अजय सर हमें दी, मैं काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया अजय सर, तो थैंक यू सो मच सब लोगों का। और अब अपनी जर्नी मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। साइकिल भी पूरा फिट हो चुका है, क्योंकि क्या है ना कि वास्को के बाद पंजिम से होते हुए मैं चला जाऊँगा रत्नागिरी, जो कि काफ़ी डेंजर पहाड़ है। तो ठीक है, कोई ना, अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं रास्तों के सीन पे। जिस होटल में मैं रुका था, उसी होटल में सर ने, श्रवण सर ने जो बुक किया था, तो वो ब्रेकफास्ट के लिए भी, मतलब सब कुछ ऑलरेडी इंतज़ाम करके रखे थे। तो यहाँ पे आया हूँ मैं, ब्रेकफास्ट करूँगा और अब ब्रेकफास्ट करके निकलता हूँ। सो गाइस, जैसा कि हम अब निकल गए हैं वास्को डी गामा के लिए, और इधर का व्यू तो आप देख ही रहे होंगे, खतरनाक से भी खतरनाक है। सो बीच में काफी ज्यादा साइक्लिस्ट लोग मिले थे, बहुत अच्छा लगा। आज लग रहा था उन लोगों का कोई इवेंट था, बहुत ज्यादा साइक्लिस्ट थे। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल विलेज, लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत खूबसूरत विलेज है, घर है। अगर इन फ्यूचर मुझे सेटल होना हो तो मैं भी इधर ही सेट होऊंगा, केरला के आसपास मज़ा आएगा इन वादियों में। तो कि मुझे अपने डेस्टिनेशन पे आना था उससे समथिंग 100-150 मीटर पहले ही हूँ। यहाँ पे मैं अपना थोड़ा विजिटिंग कार्ड बनवा रहा हूँ, तो स्टे यहीं पे कर लिया हूँ। मैं आप लोग को अपना, तो क्या हो गया ना कि काफ़ी टाइम से मैं बना के रखा था, तो मुझे ये था कि नहीं यार बनाना, क्योंकि आगे चल के भाई कुछ ना कुछ तो ज़रूर काम पड़ेगा ही, और मैंने कुछ स्टार्टअप के लिए सोचा है, तो उसके लिए विजिटिंग कार्ड काफ़ी ज़रूरी है, और वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल है, मोटिवेटेड, फुल मोटिवेटेड भरा हुआ है। तो आप लोग ज़रूर मेरे विजिटिंग कार्ड से विजिट करिए, तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। मुझे यहीं पे आना था आज, मांगेरिशी कुसा स्थल। जिस हिसाब से मैं गूगल का फोटोज़ देखा था, उस हिसाब से तो ये टेंपल नहीं दिख रहा है हमें, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। मांगेरिशी सथेरी टेंपल इस नाम है, ये भी मतलब काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन वो तो और ज़्यादा। बहुत तेज की मुझे भूख लगी थी, और मैंने वेज थाली ऑर्डर किया है, जो कि 100 रुपीज़ का पड़ा है, तो हम इसको खाते हैं और फिर रेस्ट करके यहाँ से निकलते हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ वास्को की तरफ। ये रहा वास्को का रूट, वो जो ऊंचाई पे दिख रहा है ना, वही वास्को दा गामा है। उस ऊंचाई के उस साइड में समुद्र है, ऊंचा मतलब वास्को डी गामा जो है ना, वो ऊंचाई पे पूरा बसा हुआ है। ये देखो लाइव जहाज जा रही है, और ये लाइव लोग। यहाँ से वास्को सिटी 6 किलोमीटर है, तो चलते हैं हम। या सोलो ट्रैवल ट्रैकर ब्लॉग में आ गए हो आप लोग? हाँ, आप लोग यहीं से हैं? हाँ, अच्छा। सो ये रहा गोवा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेलकम टू गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इधर से हमारा इधर की तरफ जा रहे हैं,
अभी भी वास्को यार 5 किलोमीटर दिखा रहा है। जैसे कि मैं वास्को में आ गया हूँ और मैं जा रहा हूँ एक जापानीज बीच करके है, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस बीच है वास्को का, तो वहाँ पे जा रहे हैं अभी तो फिलहाल में। तो चलते हैं, मोहतरमा जी हमें देख के मुँह मोड़ ली, कोई ना। यहाँ के राज्यपाल की कौन तो एक है, वो गाजीपुर से ही है, नाम जो है गाजीपुर से, वो मलिक था। अच्छा मलिक, अच्छा। उसके बाद अभी एक दूसरे आपको कुछ उस तरफ आएंगे तो और भी अच्छा लगेगा आपको आने के टाइम में रिटर्न आएंगे। अच्छा, गोवा का ये मेन बीच है क्या? नहीं, मेन बीच आपको मैं वो सबसे फेमस बीच है। अच्छा, उसके बाद अभी आप पंजी जाएंगे तो पंजी से 8 या 13 किलोमीटर दूर है कलंगुट। अच्छा, तो मैंने इधर एक स्टेडियम देखा, उसका नाम है तिलक स्टेडियम। अच्छा, तिलक स्टेडियम, तिलक मैदान बोलते हैं शायद। सो गाइस, जैसे कि मैं वास्को में आ चुका हूँ और वास्को में एक लोग सर साइकिलिस्ट थे, जो कि मैं जो अजय सर के यहाँ गया था, तो वहाँ के वो लोग क्या ना कि मेरा पूरा स्टेटस शेयर किए थे, जिसकी वजह से सभी साइकिलिस्ट लोग मुझे जान गए हैं गोवा के, तो वही यही रीज़न है। और यहीं पे उनकी तरफ से ये मुझे होटल मिला है, तो यहीं पे आज मैं स्टे किया हूँ। और उन वो क्या ना कि ये मर्चेंट ने भी मैं, तो वो ले गए थे अपना पोर्ट पूरा घुमाया, मतलब कहाँ पे कैसे क्या, कुछ नॉलेज भी बताएं कि यहाँ पे ये ऐसे क्यों हुआ, ये हुआ इधर क्या ना कि पता नहीं 5,000 की 10,000 कितने तो अभी पेड़ काटे जाएंगे हाईवे बनाने के लिए, जो कि ये काफ़ी गलत है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इतने हाई अब वो बता रहा है ना कि यहाँ के लोगों को क्या ना कि थोड़ा फैलाव में चाहिए, मतलब थोड़ा चौड़ा चौड़ा रोड चाहिए। अरे यार भाई, रोड तो रोड है ना, पर खैर जो है वो तो उन लोगों के इशूज़ हैं, लेकिन ये भी ठीक है कि चौड़ा रोड रहेगा तो एक्सीडेंट थोड़ा कम होगा। बट कोई ना, ये रूम मुझे मिला है, आज यहीं पे स्टे करता हूँ, कल हम निकलेंगे पंजिम के लिए। सो ये रहा, तो हम स्टे करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एडवेंचर में।